भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने अपनी पेमेंट ऐप की शुरुआत कर दी है। इसको सुपर मनी के नाम से बाजार में उतारा गया है। फोन पे से अलग होने के बाद फ्लिपकार्ट ने अपनी ऐप को मार्केट में उतार दिया है। करीब 1.5 साल पहले फोन पे से फ्लिपकार्ट अलग हो गया था, लेकिन फोन पे का स्वामित्व अभी भी वॉलमार्ट के पास है। वॉलमार्ट की नई ऐप का प्ले स्टोर पर बीटा वर्जन उपलब्ध है। यहां से यूजर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने वाले यूजर्स को ऐप से अलग अनुभव तो होने वाला है, साथ ही कंपनी का कहना है कि यूजर्स के फीडबैक के अनुसार इसमें बदलाव भी किए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि सुपर मनी की मदद से यूजर्स को कैशबैक भी मिलेगा और ये बेकार रिवार्ड नहीं बल्कि अलग कैशबैक ऑफर करने वाली है। यानी एंड्रॉइड यूजर्स फिलहाल इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट ग्रुप की फर्म की तरफ से भी इस पर काम किया जा रहा है। इसमें यूजर्स की सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि पेमेंट के दौरान यूजर्स कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी पूरी जानकारी को सुरक्षित रखा जाएगा। कंपनी के प्रवक्ता की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनकी ऐप मार्केट में आ गई है और इसमें यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए इंटरफेस का पूरा ध्यान रखा गया है। आने वाले हफ्तों में कस्टमर फीडबैक के मुताबिक इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए जाएंगे।